our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. चीनी को भी चावल के साथ एक से दो मिनट तक घी में भूनेंगे। जब तक शुगर चावल में घुल नहीं जाती तब तक हमें इसे भूनना है। शुगर चावल में अच्छे से घुल चुकी है, अब इसमें हम पानी डालेंगे। हमने एक कप चावल लिए थे तो इसमें हम दो कप पानी डालेंगे। जर्दा पुलाव में कलर देने के लिए अब इसमें हम एक पिंच फूड कलर डालेंगे। ये ऑरेंज फूड कलर है। अब इसको हम अच्छे से मिला देंगे। कलर पानी में अच्छे से मिल चुका है। अब हम प्रेशर कुकर बंद कर देते हैं और मीडियम टू हाई फ्लेम पर एक विसल आने देंगे। प्रेशर कुकर में एक विसल आ चुकी है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे और 8 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकने देंगे। प्रेशर कुकर ठंडा हो चुका है। अब देखते हैं हमारा जर्दा पुलाव कैसा है। देखिए जर्दा पुलाव कैसा खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। देखिए हमारा जर्दा पुलाव कैसा खिला खिला बनकर मिनटों में तैयार हुआ है। अब आप भी बिना चावल उबाले बिना चाशनी बनाए प्रेशर कुकर में झटपट से जर्दा पुलाव बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस एक बार मेरे बताए गए तरीके से आप जर्दा पुलाव बनाकर देखिए। आपका जर्दा पुलाव इतना खिला खिला और सॉफ्ट बनेगा कि कोई भी खाने के बाद यह नहीं बता सकेगा कि यह आपने प्रेशर कुकर में बनाया है।